दोस्तों मेरे फिंचेज ना शौक से अपनी सुबह का नाश्ता खा रहे हैं और देखें पानी भी पी रहे हैं माशाल्लाह खुशी खुशी से। यार किस लबड़ की बोलने की आवाज़ आ रही है, एक देखते हैं यार इसकी तो नहीं आ रही भाई साहब, इसकी नहीं है लगता। हाँ ये बैठे हुए हैं, बाहर निकले हुए थे माशाल्लाह से, इनकी आवाज़ आ रही थी। अगर मैं करीब इनके जाऊँ तो फिर डर के भाग जाएंगे। शापर लगा देते हैं भाई साहब। दोस्तों मैंने अपने बजरे के ऊपर जो है ना शापर छुपर लगा लिए, दिखाते हैं आपको माशाल्लाह से। जी माशाल्लाह से हेल्दी बैठे हुए हैं और रानी के और एग भी निकले हैं बहुत ही जल्द इनके, और बेबी नहीं आने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो, ठीक ठाक हो? दोस्तों आज सर्दी बहुत ज़्यादा है, बाहर में निकला हूँ और बहुत ज़्यादा ठंड है, तो मैंने क्या किया आते सार ना जो जो शापर रह रहे थे वो सब मैंने लगा दिया। आज एक और मोटर शापर लेके आए कि हमारे राह के लिए, और राह को देखते हैं जी कैसे है। राह कैसे हो? माशाल्लाह से राह ठीक बैठा हुआ, ये देखिए इधर से देख सकते हैं आप माशाल्लाह से। आज इनके लिए इनकी फेवरेट डिश डाली है अमरूद, पानी वगैरह छल्ले वगैरह भी डाल दिए, और राह माशाल्लाह खुशी खुशी बैठा है। यार इसका शापर शूपर सेट कर लेते हैं जो है ना, वो शापर लेके आएंगे। रिंग नेक तो दोस्तों अंदर बैठे हुए हैं, इन्होंने अभी तक एग नहीं निकाला, दुआ करेंगे इन्होंने जल्दी एग निकाल दें, क्योंकि रिंग नेक जो है ना एग निकालने वाले हैं। ये शापर यार थोड़ा सा इसको ना बंद कर देते हैं, ये अब ठीक हो गया भाई साहब, क्योंकि ठंड लगने लगेगी। और इधर से देखते हैं निकले हुए नहीं निकले हुए, मटके में सारे बैठे हुए हैं। चुटकी चुटकी कैसे हो भाई साहब? चुटकी चुटकी दोस्तों अंडे देने पे आई हुई है, तो इसलिए ना वो अंदर चले। बजीस से मिलते हैं जी। हाँ बजीस कैसे हो दोस्तों? माशाल्लाह से आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देनी है कि आपको इनमें से कौन सा बेबी प्यारा लगता है। क्या ये वाला? ये तो बबलू है, उसे फ्लाइंग करके चला गया। ये तीन बेबी बैठे हुए, ये भी जो रखने वाले होंगे दोस्तों उनको पहचान होगी कि बबलू रानी की, जो मैं हर वीडियो देखते रहते हैं। और दूसरी बात ये कि मेल फीमेल की निशानी होती है, वो मैं आपको बताते चलूँ कि मेल की रेड, मेल का जो होता है ना वो ब्लू से निशान होता है और फीमेल का वाइट, और बेबी जो है इनका भी सब का जो है ना ब्लू निशान है, कभी पता नहीं लग सका कि ये मेल है या फीमेल है। लेकिन अलबत्ता थोड़े से बड़े हो जाएंगे फिर पता लग जाएगा। अभी ये ब्रीड के काबिल नहीं होते, तकरीबन एक महीना रहेगा बेबी, फिर ब्रीड के काबिल हो जाएंगे, फिर इनकी भी ब्रीड करवाएंगे हम, और इन्हें फोर सेल नहीं करेंगे दोस्तों, हम इन्हें फोर सेल नहीं करेंगे, इनकी ब्रीड करवाएंगे और देखेंगे कि इंशाल्लाह इनकी नस्ल हम ज़्यादा करेंगे। क्योंकि मेरा जो है ना मिनी जूम बहुत बड़ा है, फार्म देख सकते हैं आप कितनी जगह खुली पड़ी हुई है। गर्मियों को ना इनको मैं क्या करूँगा, आज़ाद छोड़ दूँगा, ऐसे फिरते रहेंगे, इनको आज़ाद छोड़ दूंगा। और इनकी सेटिंग वगैरह तो वैसे भी हुई है, निकल तो सकते नहीं है, तो इनको आज़ाद छोड़ दूंगा, ये खुले खुले आज़ाद फिरते रहेंगे। कितने प्यारे लगेंगे, कितने सारे हो जाएंगे, मुझे तो बहुत ही प्यारा लगता है, तो इसलिए मैं इनको आज़ाद छोड़ दूंगा। तो इसी वजह से मैं इनको सेल नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी मिली जुम की रौनक बनेंगे, दिल की शान बनेंगे, तो मेरे हैं फेवरेट इनको। और एक फिंचीज ये देखें आप माशाल्लाह से, ये मेरी फिंचीज फेवरेट, मेरी फिंचीज ज़ेबरा फिंचीज माशाल्लाह से देखें माशाल्लाह से। नीचे फीड वगैरह खाने पे आई हैं, और नीचे दोस्तों मैंने बेबी भी निकाले हैं, वो नीचे बैठे हैं। तीन बेबी हैं और एक उससे बड़ा है जो बेबी के पास गया हुआ है। ये बेबी है जो मैंने कपड़े में खुद बैठे हैं, ये अच्छी बात है, हबस में बैठे हैं, इन्हें सर्दी ठंड वगैरह लगेगी, इधर नज़दीक आएंगे तो ठंड लगेगी, लेकिन इनके लिए शापर तो लगा दिए हैं, बाकी अल्लाह खैर करेगा, इनकी कोशिश तो फुल कर रहे हैं हम, बस जो अल्लाह पाक मजदूर है वो ये होगा। शापर शूपर लगा दिया मैंने, कमेंट बॉक्स में राय देनी है कि मैंने शापर कैसा लगाया। सब मैंने अपने बर्ड्स को फीड वगैरह दे दिए, एक दफ़ा देख लेते हैं, इनको भी दे दिया, अब इनका शापर नीचे कर लेते हैं जी, बबलू रानी का। और फिंचेस को भी दे दिया मैंने, रा पैरट को भी दे दिए, रिंग नेक को भी दे दिए, इन लोबर्ट्स को भी और चुटकी चुटकी को भी दे दिए। पानी वगैरह पड़ा है, बर्फ इनका सिरप ना इनको दिया था, छली वगैरह इन्होंने अभी खाई नहीं है, डाल दिए मैंने। बाकी सामान वगैरह पड़ा है, इस केज का कुछ करेंगे और सफाई वगैरह शाम को आगे इनकी सबसे पहले सफाई वगैरह करेंगे, क्योंकि मिनी जूम में ना बहुत ज़्यादा गंद हुआ है, तो सफाई निव्ज़ ईमान है, सफाई लाजमी करनी पड़ेगी, सफाई करेंगे। लेकिन खुश हम लेके आए थे तो इनकी सफाई लाजमी करेंगे, ये मटका पड़ा हुआ शाम को तो इसका भी कुछ करेंगे। अब इन बाहर जाते हैं भाई साहब, बर्फ़ को बर्फ़ की हाल पर छोड़ देते हैं। और ये सामान वगैरह पड़ा है मेरा, बूरा वगैरह पड़ा है, और ये है खोपड़े का छिलका वगैरह, ऐसे सामान पड़ा रहता है ना मेरा, क्योंकि ये हमारे ज़रूरत का सामान है, क्योंकि बर्फ़ वगैरह जब ब्रीडिंग करते हैं तो इसे नेक्स्ट मटेरियल बनाते हैं। ये देखें आप, मैं आपको नज़दीक से दिखा सकता हूँ, इनके लिए नेक्स्ट मटेरियल का ये काम आता है। और ये मटका इसलिए मैंने रख दिया है क्योंकि ये इसमें ना ऊपर पड़ा हुआ ना शाप नीचे नहीं गिरेगा। और दोस्तों देखें लाइट भी चलेगी भाई साहब, लाइट अंधेरे में मैं हूँ, तो मैं जाता हूँ अब, अल्लाह आपका भला करे। नीचे
बर्स को इनके हाल पर छोड़ता हूँ, फीड वगैरह खाएंगे। लाइट तो वैसे भी नहीं है, और बाहर आपको रिव्यू दिखाता हूँ मौसम का, और बाहर से अपना मिनी जूम दिखाता हूँ कि मेरा बाहर से मिनी जूम आपको कैसा लगता है। जाते हैं जी बाहर। दोस्तों हम बाहर आ गए हैं, और देखें बाहर कितनी धुंध है भाई साहब, सर्दी है और कोई बर्स नज़र नहीं आ रहा है। यकीन करें आगे देखें, वो देखें आगे उधर इतने सारे बर्स बैठे हुए थे धूप लगवाने के लिए। सुबह सुबह धूप आ जाती थी, अब तो कोई एक बर्स भी नहीं है दोस्तों, मुझे दिख रहा है। देखें किसी तरह धुंध हुई है, और अल्लाह माफ़ करे। देखें नज़दीक से तो कुछ नज़र भी नहीं आ रहा, और बर्ड्स भी कुछ भी नहीं है। जो आम बर्ड्स बैठे होते हैं आज़ाद पंछी खेलने वाले, वो एक भी नज़र नहीं आ रहा। बेरी मैगे इतने सर रौनक में लगा हुआ था, एक चिड़िया भी नहीं है, एक कोई मैना भी नहीं है। पता नहीं सब बर्ड्स कहाँ चले गए, सर्दी में कहाँ जाते होंगे। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में राय देना। मेरा तो कहना यही है कि ये शायद झुंड में एक बनाकर और एक जगह छुप जाते हैं, मुझे तो यही लगता है। बाकी आपने बताना है कमेंट बॉक्स में। और भाई साहब सर्दी बहुत है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल वाजिद पेट्स वाला को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं इंशाल्लाह जी कल की वीडियो में। अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और देखें यार इसमें कितना पानी हुआ है नीचे, देखें ये देखें मैंने सुन कितना पानी हुआ खड़ा यार। भाई साहब ये कैसा पर उतरा पड़ा है। चलो शाम को आग लगाएंगे इसको भाई। और यार बस क्या करूँ, इतना मेरे पौधे भी जो है ना गीले हुए हैं सारे।